हेलो दोस्तों, मैं हूं पूजा और आप सभी का मैं अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। आज बनाने वाले हैं लहसुन की फेमस चटनी, जो गुजरात काठियावाड़ की फेमस है। वो चटनी आज हम बनाएंगे, वो सिंपल और सरल तरीके से बनाएंगे। इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ और थेपला के साथ भी खा सकते है। वो ये बहुत यम्मी और टेस्टी बनेगी, इसे आप एक बार जरूर ट्राई करना। तो चलिए देख लेते इसे बनाने के लिए हमें सामग्री में क्या क्या चाहिए। गुजरात की बहुत फेमस चटनी है, वो आज हम बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें सामग्री में चाहिए जीरा है, राई है, हींग है और नमक अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर है, वो भी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने काश्मीरी लाल मिर्च ली है। लहसुन है, वो हमने एक बाउल ले लिया है। और हरी मिर्च है, वो भी हमने एक बाउल ले लिया है। आप लाल मिर्च को कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन लहसुन और हरी मिर्च का मात्रा आप एक समान ले सकते हैं। अब हम आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। आज हम चटनी इस तरह से कूटने का जो आता है उसमें बनाएंगे। आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन जो इससे टेस्ट आएगा वो मिक्सी में पीसे हुए चटनी से नहीं आएगा। इसीलिए चाहे तो आप इसमें पीसे, वरना आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। अब इसमें हम अपने लहसुन को ऐड कर लेंगे और हरी मिर्च को ऐड कर लेंगे। इसे हमें एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। इससे हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने लहसुन और मिर्ची को पीस लिया है। उसमें हमने लाल मिर्च को एक चम्मच डाल दिया था, ताकि हमारी लहसुन और मिर्ची को पीसने में आसानी हो। आप देख सकते हैं इस तरह की मैंने दरदरी पेस्ट बना ली है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम लाल मिर्च ऐड करेंगे। थोड़ा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके हम थोड़ी सी थिक पेस्ट बना लेंगे। बाद में इसे हम तेल में रोस्ट कर लेंगे। पानी डालने से हमारे मसाले जलेंगे नहीं और हमारी चटनी एकदम अच्छी भुन जाएगी। थोड़ा और ऐड करके मैं इस तरह की पेस्ट बना लूंगी। आप देख सकते हैं इतनी थिक पेस्ट बनाई है हमने। अब इसे हम ऑयल में रोस्ट कर लेते हैं हमारी चटनी को। अब इसे हम तड़का लगा लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कढ़ाई में बड़े वाले 2-3 चम्मच ऑयल ले लिया है। अब उसमें हम राई ऐड करेंगे। राई जब चटक जाए तब इसमें हम जीरा ऐड करेंगे, थोड़ी सी हींग और अपनी पेस्ट को ऐड कर लेंगे। इस तरह से बाउल में थोड़ा सा पानी ऐड करके हम सारी अपनी पेस्ट को ऐड कर लेंगे। इसे हमें धीमी आंच पर पकाना है, जब तक हमारा पानी जल न जाए। हमारी चटनी में से जब तक वो अलग नहीं हो जाता तब तक हम इसे पकाएंगे। इसे हमें पकाने में 2-3 मिनट ही लगेंगे। इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे, स्वाद अनुसार आप नमक ऐड करना। इसे हमें धीमी आंच पर ही पकाना है। आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन उसमें आप थोड़ी सी दरदरी रखना,
दरदरी ही अच्छी लगती है लहसुन की चटनी। आप देख सकते हैं हमने इस तरह की पेस्ट बनाई है दरदरी। आप देख सकते हैं कि हमारी चटनी में से ऑयल अलग होने लगा है, देख सकते हैं इस तरह से। थोड़ी और देर हम भून लेंगे, कुल हमें इसे भूनने में सिर्फ 2 मिनट ही लगेंगे और हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। अब हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी लहसुन की चटनी तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी चटाकेदार लग रही है ना। इसे आप एक बार जरूर ट्राई करना मेरी तरीके से बनाए हुए। इसे आप रोटी के साथ, थेपला, पराठा सभी के साथ खा सकते हैं, एज अ डिश के साथ साइड में भी ले सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी लगती है, यम्मी लगती है। इसे आप एक बार जरूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो काठियावाड़ी चटनी की, तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये लहसुन की चटनी कैसी लगी। धन्यवाद।